नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल आईटीआई मैकेनिकल थ्योरी पर। जैसे कि आप जानते ही हैं, हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं आईटीआई की कंप्लीट आईटीआई थ्योरी। जो टर्नर फिटर मशीनिस्ट से जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, वो सब थ्योरी हम कंप्लीट कराने वाले हैं इसी चैनल पर। तो आपके चैनल का नाम है आईटीआई मैकेनिकल थ्योरी। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मार्किंग और मार्किंग टूल, जो आपका थर्ड चैप्टर है। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा ट्रेमल का। तो ट्रेमल और स्केच आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 4। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ट्रेमल और स्केच केस के बारे में। ये है आपका ट्रेमल। देखिए, ट्रेमल का पहले क्या करते हैं, इसके पार्ट देख लेते हैं। ये आपका हैंडल है, ये आपका कैरियर है, इसको पॉइंट बोलते हैं, ये चेक है इसके, ये होते हैं क्लैंपिंग नट। देखो ये और ये है क्लैंपिंग नट, और जिस पर ये लगा होता है उसको बोलते हैं बीम। तो ये है हमारे ट्रेमल के पार्ट। ट्रेमल के पार्ट मैंने क्यों बनाए हैं, क्यों दिखाए हैं, ताकि अगर किसी भी पार्ट का नाम पूछ ले, मुझे मालूम रहे कि ये चेक होता है, ये इसके पॉइंट है, और इसको बोलते हैं कैरियर, ये हैंडल है। इसलिए मैंने आपको इसके पार्ट बता दिए। चलिए अब जानते हैं कि ट्रेमल का यूज कहाँ पर होता है। इसका यूज देखिए, हम यूज कहाँ करते हैं, बड़े वृत्तखंड या चाप लगाने के लिए हम ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। ये तो है साधारण भाषा में। अब हम जानते हैं टेक्निकल भाषा में इसको हम कैसे करते हैं। देखिए, बड़े वृत्तों की लेंग आउट करने के लिए हम ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी है टेक्निकल भाषा। एग्जाम में अगर पूछेगा वो ये पूछेगा कि बताइए बड़े वृत्तों की लेंग आउट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आंसर आएगा आपका ट्रेमल का। किसके लिए, बड़े वृत्तों की लेंग आउट करने के लिए। देखो, हम डिवाइडर से क्या करते हैं, डिवाइडर से 6 इंच तक के हम चाप लगा सकते हैं या कोई वृत्त खींच सकते हैं, लेकिन अगर इससे बड़े हमें वृत्त खींचने हैं तो हम ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। देखो, 150 से लेके 1800 mm तक के हम इससे चाप या सर्किल बना सकते हैं आपके ट्रेमल से। तो बड़े चाप के लिए हम ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ करते हैं अधिकतर इसका प्रयोग, शीट मेटल में। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, शीट मेटल में। शीट मेटल में क्या होता है, बड़े बड़े चाप लगाने होते हैं, तो बड़े बड़े चाप लगाने के लिए हम ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल होता है शीट मेटल में। इसके द्वारा देखिए, अंदरूनी और बाहरी माप माप सकते हैं। इसके द्वारा हम अंदरूनी और बाहरी माप माप भी सकते हैं, ठीक है। देखो, ये जो हमारा ट्रेमल है, ये हमारा क्या है, बीम है। इस बीम पर हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, हैंडल है, ऐसे ये भी हैंडल है। इसको हम मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, तो जितना भी हम स्टील रूल के द्वारा इस पर दूरी भर के चाप लगा लेंगे या कोई भी माप माप सकते हैं। तो अंदरूनी और बाहरी माप माप सकते हैं ट्रेमल के द्वारा। ये एक मार्किंग टूल है। क्या टूल है, मार्किंग टूल है, एक बहु उपयोगी टूल है आपका ट्रेमल। ये आपका बीम दिखाया गया है, ये आपका बीम। बीम आपका माइल्ड स्टील का बना होता है, जिसकी लंबाई 150 से लेके 500 mm तक की होती है। इसके बीम की लंबाई 1800 mm तक का हम, मैंने क्या बोला इसमें कि 1800 mm तक का हम इससे चाप लगा सकते हैं, लेकिन इसके बीम की लंबाई तो 150 से 500 mm है, तो 1800 mm का कैसे लगा देंगे। फिर हम क्या करते हैं, इस बीम को कपलिंग के द्वारा जोड़ते हैं, यानी कि इसमें और बीम लगाएंगे, उसको हम कपलिंग के द्वारा जोड़ेंगे, जिसके द्वारा हम 1800 mm तक का इससे चाप लगा सकते हैं। अब देखिए, ये इसके पॉइंट है, यहाँ पर मैंने पॉइंट दिखाया है। ये पॉइंट आपके टूल स्टील के बने होते हैं। किसके, टूल स्टील के। अब ये जो टूल स्टील के बने होते हैं, इसको बोलते हैं हम बॉल पॉइंट, या आपके बॉल पॉइंट है। अब देखिए, बॉल पॉइंट होल का व्यास मापते हैं। ये जो बॉल पॉइंट है आपके, इससे क्या करते हैं, होल का व्यास मापने के लिए हम बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। 150 से 1800 mm बताया मैंने। अगर इंचों पूछे तो 6 इंच से लेके 72 इंच तक का चाप या वृत्त लगा सकते हैं हम ट्रेमल से। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछते हैं इसमें, बताइए कि बड़े वृत्तों की लेंग आउट करने के लिए हम किस का इस्तेमाल करते हैं। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, किस मार्किंग टूल का इस्तेमाल करेंगे, आंसर आएगा आपका ट्रेमल। अच्छा, इसका इस्तेमाल हम कितने बड़े चाप तक कर सकते हैं लगाने के लिए, तो आंसर आएगा आपका 1800 mm। 1800 mm तक के चाप लगाने के लिए हम ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसा टूल है, एक मार्किंग टूल है। इसकी जो बीम है वो किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। ये सारे इसके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, ट्रेमल से हम कैसी माप माप सकते हैं, अंदरूनी और बाहरी दोनों माप माप सकते हैं ट्रेमल से। ये क्वेश्चन बन जाता है इसका। अब देखिए, कैलिपर पॉइंट लगा सकते हैं इसमें। जो आपका ये टूल है, जो टूल स्टील के बने होते हैं आपके पॉइंट,
इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, कैलिपर पॉइंट भी लगा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है इसमें। और इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, देखिए जो बीम की लंबाई है वो कितनी होती है, ट्रेम हल्के बीम की लंबाई कितनी होती है, तो आंसर देंगे हम 150 एमएम से लेकर 500 एमएम तक। तो इसमें आपके देख लीजिए, एक दो तीन और एक चार पाँच छः, एक सात आठ, ये क्या आपके टूल स्टील का हो गया, नौ और एक ही दस, इसमें ही आपके 10-12 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये ट्रेबल है आपका, तो आपके ट्रेबल में इतना ही है, चलिए देखते हैं। ये आपका स्क्रैच गेज, देखिए स्क्रैच गेज आपका ऐसा होता है, इसके दो मुख्य पार्ट होते हैं, नंबर एक है बीम, ये आपका बीम है और ये आपका हेड, तो यही आपके मुख्य पार्ट है, ये आपका आगे का होता है पॉइंटर। तो इसमें मुख्य भाग सिर्फ दो होते हैं, बीम और हेड। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, देखिए जो के ऊपर समांतर लाइन खींचने के लिए हम स्क्रैच गेज का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर, जो के ऊपर समांतर लाइन खींचने के लिए। देखिए ये आपका पॉइंट है, जो पॉइंटर होता है वो एक वर्गाकार होता है, कैसा होता है, वर्गाकार होता है, जो हार्ड और टेम्पर किया होता है। जो आपका एक बीम है वो स्टील का बना होता है, जिसकी लंबाई 150 mm तक की होती है। आपका जो हेड है वो कास्ट आयरन का बना होता है, किसका, कास्ट आयरन का बना होता है, और माप की आवश्यकता के अनुसार इस हेड को हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आगे पीछे इस तरह हम स्लाइड कर सकते हैं। यह है आपका लॉकिंग स्क्रू, यानी कि हेड को लॉक करने के लिए इसमें एक लॉकिंग स्क्रू होता है। जितनी भी दूरी पर हमें समांतर लाइन खींचनी है उतनी दूरी को हम भर लेंगे इसमें, और भरने के बाद उस पर समांतर लाइन खींच सकते हैं हम अपने स्क्रैच गेज के द्वारा। तो ये आपका स्क्रैच गेज। तो आपका ये मार्किंग और मार्किंग टूल यहाँ पर आपका समाप्त होता है ये चैप्टर। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको एक नए चैप्टर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हमारा मार्किंग और मार्किंग टूल यहीं पर आपका कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक में, नए क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।